उत्तर प्रदेश में किसान मजदूर मोर्चा के 6 जुलाई से पूरे प्रदेश के तहसील और मुख्यालयों पर चल रहे धरना प्रदर्शन की अब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें किसानों ने अपनी तमाम मांगों को पूरी करने की बात कही है। किसानों ने 2011 से अब तक किसानों का गन्ना भुगतान ब्याज सहित देने के साथ साथ किसानों के गन्ने का मूल्य 450 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग रखी है। साथ ही किसानों ने हर फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून पास करने की मांग भी रखी। किसानों ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के साथ साथ खाद और कीटनाशक दवाओं के दाम को कम करने की भी मांग रखी है। किसानों का कहना है कि मांगे ना पूरी होने पर वो 15 जुलाई को गन्ना आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, वैसे तो सब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बी एम सिंह जी ने, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बलराज सिंह भाटी जी ने सब बता ही दिया है कि आखिर ये प्रेस वार्ता हुई क्यों। प्रेस वार्ता सिर्फ गन्ना किसानों का भुगतान और जो भी हमारी फसलों के रेट हैं उन्हीं को लेकर चल रही है। हमारे माननीय बी एम सिंह जी ने कहा कि हमें कानूनों से कोई मतलब नहीं, कानून पहले बने थे, हमें केवल फसल का दाम चाहिए। और ये सोचने का विषय है, वैसे तो बुद्धिजीवी सब सरकार में बैठे हुए हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक हर चीज़ का रेट फिक्स होता है। अगर एक दवाई का कैप्सूल भी बनता है तब भी रेट फिक्स होता है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिस पे एमआरपी नहीं पड़ा होता है, तो फिर हमारी फसलों पे क्यों नहीं? और फिर फसलों पर पड़ा भी है तो हमने अगर आपको दे दी फसल तो उसका भुगतान क्यों नहीं? अगर हम कर्जा ले लेते हैं तो उठा के जो आरसी काट देते हो और किसान को उठा ले जाते हैं और नायब तहसीलदार आता है और उनका ले जाके बंद कर देता है। लेकिन अगर सरकार गन्ना किसानों ने जो गन्ना दे चुकी है उसका भी भुगतान नहीं कर रही है तो इसके लिए मजबूरी रह गई है कि हम लोग कोरोना काल में डिस्टेंस बनाने की बजाय जो है यहाँ आएँ और आंदोलन करें, और तब तक आंदोलन करें जैसे माननीय बी एम सिंह जी ने कहा कि वहाँ भूखे मरने से तो अच्छा है कि हम यहाँ यहीं आंदोलन करें और यहीं अपना सब कुछ त्याग दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो अब आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है, या तो 15 तारीख तक कुछ सरकार सोचेगी, नहीं सोचेगी तो उसके बाद हम अपने भुगतान के लिए और आंदोलन करें। ऐसा है, गन्ना किसानों की लड़ाई पिछले 30 सालों से हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से लड़ रहे हैं। आज जो रेट मिल रहा है यहाँ लखनऊ का, वो रेट भी हमारी पिटीशन, हाईकोर्ट की पिटीशन से मिल रहा है। इन्होंने कोशिश करी थी कि दिल्ली का कानून हम पे लागू हो जाए, वो लागू कानून हो नहीं पाया। इसलिए इनको समझ जाना चाहिए कि अगर 26 साल लड़ने के बाद ब्याज किसानों को दिलवाने की बात करी है, नहीं देंगे तो क्या हाल होगा। गन्ना किसान 3.5 करोड़ वोट है उत्तर प्रदेश में, और सरकार बनती है 2.25 करोड़ में, 2.5 करोड़ में, योगी जी की बनी 3 करोड़ में। हल्के में मत लो, ये आपका वायदा था प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री ने कहा था कि मेरी सरकार आएगी तो 14 दिन में पेमेंट करूंगा, नहीं तो ब्याज दूंगा। पेमेंट तो हुई नहीं, 30,000 में से 11,000 करोड़ अभी बकाया है। और मोदी जी के वायदे को छोड़ते हुए योगी जी के बड़े बड़े इश्तिहार दिखते हैं, 1,35,000 करोड़ दे दिया, 40,000 करोड़ दे दिया। और उनसे पूछो कैसे, जब से हमारी सरकार आई है दे दिया। उनके पैमाने अलग हैं, योगी हैं, महंत हैं, उनकी सोच समझ अलग है। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि डीजल का रेट बढ़ गया, खाद का रेट बढ़ गया, बीज का रेट बढ़ गया, लेबर बढ़ गई, तो गन्ना किसान का रेट भी बढ़ना चाहिए। 4 साल से वही रेट है, उन्हें समझ नहीं इन चीज़ों की। उनके कहने के हिसाब से अगर मैं पूछूं, योगी जी आपसे ही पूछूं, कितनी रोटी खाई थी सुबह? आप कहोगे 2, कोई कहेगा 3, कोई कहेगा 4। योगी जी की समझ के मुताबिक वो कहेंगे, जब से मैं पैदा हुआ मैंने 8,652 रोटी खाई है। ऐसे चलता है क्या काम? ये बेवकूफ बनाने का काम छोड़िए, सीधा सीधा कोर्ट के आदेश का अनुपालन करिए। जब आपको पंचायत चुनाव था, आपने कहा कोर्ट का आदेश हमें करना पड़ रहा है, कोर्ट ने कहा है गन्ना किसान को ब्याज दीजिए, दीजिए ना। 10 साल का ब्याज हमारा बकाया है और 11,000 करोड़ बकाया है। इसके लिए बहुत सीधा है, अगर मिलों के पास पैसा नहीं, आज मिलों के शेयर बढ़ रहे हैं, बजाज हिंदुस्तान सबसे बड़ा डिफॉल्टर, उसके शेयर की वैल्यू एक महीना पहले
11 रुपए थी आज 18 रुपए हो गई है। क्यों? मुनाफे में आ रहे हैं। हमें मोदी जी एमएसपी नहीं देते पर मिल मालिकों को एमएसपी देते हैं। हमारा गन्ना कोई रेट में जाए पर चीनी पहले 29 रुपया था फिर 31 रुपये हो गया, अब 33 रुपये किलो से कम कोई खरीद नहीं सकता। उनके लिए गारंटी कर रहे हैं, हमारे लिए गारंटी नहीं है। इसलिए ये समझिए ये सरकार जो है किसानों ने बनाई है, किसानों की सरकार है। किसान को इतना मत तंग करिए कि आपको चेतावनी देने का काम करे। हम आज केवल गुजारिश करने आ रहे हैं कि हमारा पैसा हमें दे दो, और नहीं दोगे तो आप ज़्यादा मालिक हो, आपको समझ ज़्यादा है। पिछली सरकार कैसे गई थी, आप कैसे आए थे, आप कैसे जाओगे, कोई और कैसे आएगा, आप खुद समझ लो। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170।